स्वीट पोटैटो को, ये देखिए कितनी अच्छी ये ग्रो हो गई है। ये मैंने पानी में लगाई हुई है इसको, और कम से कम है। और पता नहीं कैसा लग रहा होगा आपको मेरा गार्डन, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। अभी धूप निकली हुई है और मैं धूप में बैठी हुई हूँ, और आज बिल्कुल भी मन नहीं है वीडियो शूट करने का, तो सोचा कुछ बातें कर लेती हूँ आपसे। जो गार्डन में प्लांट लगे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप देख लीजिए मेरा गार्डन कैसा लगा आपको, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कुछ प्लांट मैं आपको दिखाऊँगी, अगर आपकी भी इस तरह से हालत हो गई है तो आप उनको बचा लीजिए या कुछ ट्रीटमेंट कर लीजिए। मैं तो कर नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा मूड नहीं है उन प्लांट को ट्रीटमेंट करने का। तो कौन से प्लांट है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो पहले अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा गार्डन नहीं है, छोटा सा है। और अभी आई हूँ मैं अपने गार्डन में, और ये देखिए यहाँ तक है मेरे प्लांट, और इधर तो सारे परमानेंट प्लांट है जो डोरमेंट में जा चुके हैं, विंटर वाले बहुत कम प्लांट है। और ये प्लांट आप देखिए, कोलियस की जितने भी प्लांट लगे हुए हैं मेरे पास, मैंने बहुत ज़्यादा कोलियस के प्लांट बना लिए हैं, और आप लोग पसंद भी करते हो। कोलियस के प्लांट है ही पसंद करने लायक, क्योंकि इतने अच्छे हैं ये प्लांट, हमारे गार्डन का लुक चेंज हो जाता है अगर हम इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो, बिल्कुल लुक चेंज हो जाता है। लेकिन अभी पता है इनकी हालत ऐसी हो गई है, ये देखिए पत्तियाँ देखिए, पत्ती तो है ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया पत्ती का। और ये वाली देखिए, मुझे कई दिन से पता है कि कीड़ों ने खा रखी है, लेकिन मैं कुछ गौर नहीं कर रही हूँ इनकी। ये देखिए आधी पत्ती तो खा ही ली है बिल्कुल, और यहाँ पे भी देखिए, मतलब जितनी भी पत्तियाँ आप देखेंगे, देखिए इस तरह से हो गई है। आपके प्लांट की भी हालत इस तरह से हो गई होगी, अगर हो रही है तो आप कोई ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे नीम ऑयल का स्प्रे कर लीजिए, और घर में हरी मिर्च का या किसी चीज़ का भी बना के स्प्रे करते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन मैं कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करती हूँ, ना ही कोई केमिकल का यूज़ करती हूँ, बस एक राख का उपयोग जरूर करती हूँ, वो अभी मेरे पास है नहीं, तो इसलिए इनकी कोई देख रेख मैं नहीं कर रही हूँ। और ये डोरमेंट प्लांट है, अभी डोरमेंट में जा चुका है, तो इस वजह से इस पे ये कीड़े भी लग गए हैं और इसकी ग्रोथ भी रुक गई है, और जो पत्तियों की शेड वगैरह है, कलर वगैरह है, वो भी बिल्कुल डल हो चुका है, जो कलर है वो कलर रहा ही नहीं है इनके ऊपर, और ग्रोथ तो बिल्कुल ही रुक चुकी है। हल्की हल्की सी ग्रोथ है वो तो होती रहेगी, बिल्कुल तो नहीं रुकी है। और इधर ये प्लांट देखिए कुछ छाया में है और कुछ को धूप लग रही है, मतलब ज़्यादातर को तो धूप लगती है, ये फ्रंट पे ही है, और ये वाला है जो बिल्कुल छाया में जा रहा है, थोड़ा कम धूप लगती है। और ये वाला टावर वाला मेरा प्लांट देखिए, ये वाला काफ़ी अच्छा है, ना ही तो इस पे कीड़े लगे हैं, ना ही कुछ, और ग्रो भी मतलब हो रहे, ये मैंने कटिंग से ही तैयार किए थे, और ये वीडियो मैंने डाली हुई है, ये जो मैंने टावर बनाया था इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो कैसे बनाया है मैंने ये टावर, तो आप देख लीजिए उसको। और ये देखिए इधर भी कोलियस का प्लांट है, ये भी सही है, सिर्फ एक पत्ती मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, इस पे छेद सा हो गया है, तो मैं सोच रही इस पे भी कीड़े लग जाएंगे नहीं तो। तो मैं कुछ खास देखभाल नहीं कर रही हूँ इन कोलियस प्लांट की, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है इनको, पता नहीं क्यों नहीं मन कर रहा है इनकी देखभाल करने को, क्योंकि अब ये डोरमेंट हो गए हैं, ये इनको छेड़छाड़ नहीं करना है हमें, ज़्यादा छेड़छाड़ इनकी करेंगे कटिंग वगैरह लगाएंगे तो कटिंग तो अभी बिल्कुल लगेगी नहीं, क्योंकि मौसम ही नहीं है ये लगाने का कोलियस प्लांट का। ये गर्मियों में आप कटिंग लगाइए इनकी, और इस समय तो बिल्कुल मिट्टी ना गीली रहती है, और ये जो प्लांट की कटिंग हम लगाते हैं तो बिल्कुल गीली में नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी ड्राई होनी चाहिए, और ये इतनी सॉफ्ट है इसकी कटिंग, तो जब हम कटिंग लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगी, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो सिर्फ आज गार्डन का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए, जो प्लांट लगे हैं वो देख लीजिए कैसा लग रहा है मेरा गार्डन, और मुझे तो अपना गार्डन साफ़ सुथरा लग रहा है, ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा गार्डन है, और कल ही मैंने साफ़ किया था, आज तो मैं आई भी नहीं हूँ, अब आई हूँ, अब दरवाज़ा खोला है मैंने, ये देखिए ये वाला दरवाज़ा अभी खोला है मैंने, 4:15 बजे ऊपर आई हूँ, और आके इसलिए आना पड़ता है मुझे, डेली आना पड़ता है गार्डन में, तो देखिए काम हमारा यही काम है गार्डन में, तो ना आने का तो सवाल ही नहीं उठता है, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए आऊं लेकिन आना ज़रूर पड़ता है।
और ये देखिए मेरे गार्डन में कुर्सी, टंकी पानी की और सीढ़ी, तीन चीज़ यहीं पे रहती है। कुर्सी को तो मैं हटा भी देती हूँ, अंदर भी रख देती हूँ इसको तो, लेकिन जो सीढ़ी और टंकी है ये हमेशा रहती है। सीढ़ी हमारी है ऊपर जाने के लिए, जो टंकी रखी है उसको देखने के लिए भी पानी कितना भरा है या नहीं है, या मतलब पानी चेक करने के लिए। और जो टंकी आप पानी की देख रहे हैं ये पौधों को पानी देने के लिए है। और यहाँ पे काम वाम करने के लिए, जैसे साफ़ सफाई करने के लिए, एक आधी बार में कपड़े भी धो लेती हूँ, और घर के काम कई निपटाने पड़ते हैं, पर क्या क्या बताएं, काम तो बहुत सारे होते हैं। तो बस ये है छोटा सा मेरा गार्डन। आपको कैसा लगा है मेरा गार्डन ज़रूर बताइएगा। और इतने सारे प्लांट हो गए हैं, फिर भी पता क्या मन करता है कि बहुत कम प्लांट है, कुछ भी प्लांट नहीं है, और मन ऐसे करता है कि लाते रहो बस, नर्सरी जाते रहो जाते रहो। और अभी नर्सरी जाने का मन कर रहा है, बस गई नहीं है, पता नहीं कब होगा जाना, जाऊंगी। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए स्वीट पोटैटो मैंने ग्रो की थी, तो आप इसको देखिए स्वीट पोटैटो को, ये देखिए कितनी अच्छी ये ग्रो हो गई है। ये मैंने पानी में लगाई हुई है इसको, और कम से कम लगा लो आप 25 दिन 20-25 दिन तो हो गए हैं, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी ना लेट ग्रो होती है। अगर थोड़ा ठंड गर्म मौसम होता है, जैसे ये नवरात्रि के टाइम पे हम इसको लगाते हैं तो हो जाती है, लेकिन अब सर्दी में मैंने लगाई है तो सर्दी में थोड़ा सा लेट ग्रो होती है, लेकिन ग्रो हो जाती है। तो आप इसको ज़रूर लगाइए, बहुत ही सुंदर लगती है पानी में भी, और ये मिट्टी में भी बहुत सुंदर लगती है। और मैं दिखाती हूँ मैंने कहाँ लगाई हुई है, ये देखिए ये है, और कल तो इस पर फ्लावर आया हुआ था, देखिए फ्लावर दिखाती हूँ मैं यहाँ से, एक ये देखिए ये इसका फ्लावर आया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दो कलर में है, एक ये देखिए ये वाली मैंने लगाई हुई है ऑर्नामेंटल वाली, और एक ये देसी वाली है, और पत्ती इस तरह से पीली होती रहती है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं इस तरह से, क्योंकि गार्डन का ना थोड़ा सा लुक खराब कर देते हैं ये पीले पत्ते जो होते हैं। और यहाँ पे ये देखिए फ्लावर, ये इसका फ्लावर है इस तरह से, तो दो दो फ्लावर आए हुए हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एक फ्लावर यहाँ पे आया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी लगती है शकरगंद जो हम अपने घर पर लगाते हैं। और ये देखिए ये मैंने मिट्टी में ग्रो की हुई है, तो मिट्टी में इतनी बड़ी हो गई है, देख सकते हैं आप पत्तियां देखिए कितनी बड़ी बड़ी है। और दोनों को मैंने एक ही साथ लगाया था, पानी में और मिट्टी में, तो मिट्टी में कितनी जल्दी ग्रो हो गई है, ये देखिए बड़ी बड़ी पत्तियां हो गई है, और ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, और इसको ऊपर बांधना पड़ेगा तभी ये अच्छी रहेगी। तो ये देखिए गार्डन का थोड़ा सा मैंने आपको प्लांट दिखाए हैं, और पता नहीं कैसा लग रहा होगा आपको मेरा गार्डन। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।